हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MS नॉलेज हब। फ्रेंड्स, UPPSC ने 2020 के लिए PCS, ACF और RFO के विभिन्न पदों पर जो भर्तियां होनी है उनके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में इस वर्ष के लिए PCS ने क्या अर्हताएँ रखी हैं, UPSC के द्वारा कौन कौन सी इसमें कंडीशन रखी गई हैं इस बार, और क्या क्या इसमें पोस्टेज हैं, क्या क्या इसमें सिलेबस है, क्या इसकी परीक्षा प्रणाली रहेगी इस बार की, और चयन प्रक्रिया कैसे रहेगी, इन सब को लेकर मैं विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है आप अपने इस फॉर्म को फिल करो, घर पर ही फिल करोगे आप, तो आप उससे पहले इसके नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ इसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो जाननी जरूरी है वो इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण तिथि है, क्यों कौन कौन सी डेट में स्टार्ट है। तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 21 अप्रैल यानी कि आज से इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, और जो ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 18 मई रहेगी, और ऑनलाइन जो आवेदन कंप्लीट करने की और स्वीकार करने की जो अंतिम तिथि होगी वो 21 मई रहेगी। और फ्रेंड्स, के बाद जो नोटिफिकेशन बताया गया है इसमें यूजर इंस्ट्रक्शन दिए गए किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है, ये मैं आपको इसकी वेबसाइट पर ले जाकर बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे। उससे पहले मैं आपको जो इसमें हड़ताएं दी गई हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए 125 रुपये का शुल्क रहेगा, अर्थात 100 रुपये की फीस कटेगी और 25 रुपये हो सकता है आपका आवेदन जो ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क या ऑनलाइन चार्ज कर सकता है। और अनुसूचित जाति के लिए 40 रुपये का शुल्क रहेगा इस बार, और 25 रुपये का जो है ऑनलाइन चार्ज कटेगा, तो टोटल 65 रुपये SC ST के भी कटेंगे। OBC के सेम वही चार्जेज रहेंगे जो जनरल के रहेंगे, 125 रुपये। फ्रेंड्स, उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स रिक्तियों की संख्या है, इसमें कितनी पोस्ट हैं। तो पोस्ट इसमें जो 200 पोस्ट है फिलहाल अभी ली गई हैं, उसके बाद जो सहायक वन संरक्षक हैं और क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं, इनका दिया आचन है यानी कि अभी जो इनकी जो भर्ती की जो डिटेल्स है वो भी इनके पास नहीं है। जैसे ही जो पूर्व परीक्षा इसकी हो जाएगी यानी प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जो इसका भर्तियों का जो ब्यौरा आएगा तो इसको बाद में जोड़ लिया जाएगा, परंतु अभी जो 200 भर्तियां हैं वो सम्मिलित राज्य प्रेवर अधीनस्थ सेवक हैं, अर्थात PCS की जो भर्ती हैं ये 200 हैं। इसका जो ग्रेड पे होगा वो 9300 से लेकर 34800 तक का ग्रेड पे होगा। जो सहायक वन रक्षक होंगे यानी कि RFO या ASFO, तो उनके जो वेतनमान होंगे वो 15600 से लेकर 39100 तक, और ग्रेड पे जो होगा 5400 रुपये का होगा। और जो क्षेत्रीय वन अधिकारी होंगे उनके लिए जो होंगे उनके जो वेतन होगा वो 9300 से लेकर 34800 तक का ग्रेड पे होगा, और जो 4800 तक का ये इनका ग्रेड पे होगा, उनका जो वेतनमान होगा वो लगभग 47600 से 151100 रुपये तक इनका वेतनमान हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं शैक्षिक अर्हता की, क्या एलिजिबिलिटी है इनके लिए। तो इसमें जो विभिन्न पोस्ट दी हैं तो उनकी विभिन्न विभिन्न पोस्टों के लिए विभिन्न विभिन्न क्वालिफिकेशन मानी गई हैं, यानी कि अगर आप केवल स्नातक हैं या आपने BA या BSc या केवल स्नातक कर रखा है तो उसके लिए भी आप केवल फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपने स्नातक के साथ विभिन्न प्रकार की और स्नातकोत्तर की उपाधि ले रखी है या किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ये कर रखा है तो उसके लिए अलग पोस्ट भी हैं। जैसे उपनिबंधक है सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन, तो इसमें विधि स्नातक मांगा गया है, विधि स्नातक। और जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं इसमें स्नातकोत्तर डिग्री मांगी गई है, और जिला लेखा परीक्षा अधिकारी हैं इनके लिए वाणिज्य स्नातक, अर्थात वाणिज्य से स्नातक किया हुआ हो। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपनी जो पोस्ट है उसे चुन सकते हैं। ये आप जो है नोटिफिकेशन को एक बार मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन डाल दूंगा, आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से चुन सकते हैं। बहरहाल मैंने बता दिया है कि इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद इस फॉर्म को फिल किया जा सकता है, ग्रेजुएशन से पहले से कोई फिल नहीं कर सकता। सहायक वन रक्षक के लिए जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है कि वो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से कम स्नातक उपाधि ली हो, और उसमें उन्होंने एक सब्जेक्ट वनस्पति विज्ञान या जीव विज्ञान या रसायन विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या भूगर्भ विज्ञान या वानिकी या सांख्यिकी स्नातक उपाधि, यानी कि इनमें से किसी एक सब्जेक्ट से स्नातक करना अनिवार्य है, तो ही जो है आप जो सहायक बन रख सकते फॉर्म में भर सकते हैं। अर्थात केवल आपने BA कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी नहीं है, आपने अगर BSc से कोई विज्ञान की शाखा ली है तो ही आप इसको फिल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जो इसकी अधिमानी हड़ताएं होती हैं जिसमें आपको अगर आपकी कट ऑफ इक्वल बैठती है तो आपको इसमें प्रिफ्रेंस दी जाएगी, जो तो जिन्होंने कम से कम 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में सेवा की हो और NCC का B प्रमाण पत्र हो, तो इन लोगों को जो है अधिमान
अर्हताएं मिलती है। तो जो क्षेत्रीय वन अधिकारी हैं उनके लिए भी सेम यही अर्हताएं रहेंगी। अब जो हम देख लेते हैं जो सहायक वन रक्षक के लिए जो इसमें फिजिकल मेजरमेंट है वो क्या है, तो जिसमें जो पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए और जो सिन्ने का जो है वो 84 सेंटीमीटर सिन्ना बिना फूला होना चाहिए और जो विस्तार जो 5 सेंटीमीटर अर्थात जो फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला के लिए जो इसमें है 150 सेंटीमीटर की लंबाई। मैं आपसे बता दूं कि ये पीसीएस की सभी पोस्टों के लिए अनिवार्य नहीं, केवल वन रक्षक की अगर पोस्ट डालें तो उसमें फिजिकल मेजरमेंट की आवश्यकता है। यदि आप नॉर्मल पीसीएस की पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें फिजिकल मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की, तो ये आयु सीमा जो बताई गई है अभ्यर्थी को 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु पूरी करनी होनी चाहिए, अर्थात 1 जुलाई से आपकी आयु काउंट होगी तो आपको 1 जुलाई 2020 में 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली होनी चाहिए और 40 वर्ष से आपकी आयु अधिक ना हो। अधिकतम जो आयु में छूट दी गई है वो कैटेगरी के अनुसार अलग अलग दी गई है। फ्रेंड्स, मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है कि आप इस जो नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं सारा नोटिफिकेशन नहीं बता पाऊंगा इसमें डिटेल में, बिकॉज वीडियो बहुत अधिक लंबी हो जाएगी, परंतु मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं। तो आप फॉर्म भरने से पहले एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, मैं इस नोटिफिकेशन को आपको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फ्रेंड्स, मैं इसमें एक बात और बताना चाहता हूं, आपको जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर जो मुख्य रिक्तियां हैं उनके 13 गुना अभ्यर्थियों को घोषित किया जाएगा सफल, अर्थात जैसे कि 200 पोस्ट इसमें प्रारंभिक पोस्ट अभी 200 हैं, इसमें जुड़ेंगी कुछ पोस्टें भी, परंतु जो 200 पोस्ट हैं उनका 13 गुना अर्थात 2600 विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा के बाद। ये इसमें नियम है और कुछ यहाँ नियम दिए गए हैं कि आप जो ऑनलाइन जिसका ऑफलाइन परीक्षा होगी उसमें जो ओमार शीट को आप कैसे फिल कर सकते हैं, ये सब सूचनाएं है आपको एडमिट कार्ड में मिलेंगी। फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं मैं, इसमें मिनिमम इफेंसिव स्टैंडर्ड दिया गया है, यदि किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में यदि SC ST द्वारा कोई भी वर्ग का अभ्यर्थी है तो उसे 35% मार्क्स लाने अनिवार्य है। 35% मार्क्स नहीं आते तो वो जो सूची है कि उसमें उनका नाम नहीं आएगा, अर्थात जो कट ऑफ लगेगी कट ऑफ वाली सूची में इनका नाम नहीं आएगा। और जो जनरल के लिए ये रखे गए हैं, जनरल और OBC के लिए रखा गया है 40%, आपको परीक्षा में 40% नंबर लाना अनिवार्य है तभी आप कट ऑफ की लिस्ट में जाओगे, उसके बाद कट ऑफ लगेगी, अर्थात आपको जो है जो चयन सूची होगी उसमें सम्मिलित नहीं किया जाएगा यदि आप इतने परसेंटेज नंबर नहीं लाते हैं, तो इसमें एक ये भी इसका प्रावधान रखा गया है। फिर फ्रेंड, इसमें जो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जैसे पुलिस अधीक्षक की हैं और कमांडेंट होम गार्ड्स की हैं और इसमें जो है आबकारी विभाग की हैं, तो इन जो पोस्ट के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट की आवश्यकता है, तो इसमें जो नॉर्मल फिजिकल मेजरमेंट दिया गया है आप इसको देख सकते हैं, ये प्रारंभिक परीक्षा के बाद की बात है। परंतु फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका क्या इसमें जो आधार रहेगा, किस तरीके से जो प्रारंभिक परीक्षा जो इसमें कराई जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें दो सभी जितनी भर्तियां हैं इसमें जितनी पोस्ट हैं, चाहे वन रक्षक की हों चाहे जो सेवा उसकी हों अधीनस्थ सेवा की हों, तो इसमें सभी के लिए जो है 200 नंबर के 2 प्रश्न पत्र होंगे, अर्थात 2 प्रश्न पत्र होंगे जिसमें 200 मार्क्स का होगा प्रत्येक प्रश्न पत्र और 2 घंटे की उनके लिए अवधि दी जाएगी, और दोनों प्रश्न पत्र जो होंगे वस्तुनिष्ठ होंगे अर्थात बहुविकल्पी होंगे, आपको केवल टिक मार्क के जो क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, अर्थात इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा में इसमें कोई भी आपको डिस्क्रिप्शन वाला नहीं होता है। जो पहला प्रश्न पत्र होगा आप उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के, और जो इनका जो समय होगा वो एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे दोनों, और जो इसमें 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक तो पहला सत्र होगा और द्वितीय सत्र जो होगा वो 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक होगा, 2-2 घंटे की परीक्षाएं होंगी। प्रारंभिक परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा अर्थात जो शाम की द्वितीय पाली में जो प्रश्न पत्र होगा उसमें केवल आपको 33% अंक प्राप्त करने हैं, ये केवल क्वालिफाई नेचर का होगा, अर्थात बस इसको आपको क्वालिफाई करना है, यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो बस आपकी फिर फर्स्ट जो पेपर होगा वो होगा। इसमें एक और दिया है, यदि आप सेकंड पेपर में 33% नंबर नहीं लेकर आते हैं तो आपके फर्स्ट जो पेपर होगा उसके मूल्यांकन नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसकी मुख्य लिखित परीक्षा के लिए मैं आपको एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, फिर भी मैं इसमें छोटा सा आपको बता देता हूं कि जो इसकी जो फर्स्ट जो प्री एग्जाम होगा उसके बाद उसका मूल्यांकन होने के बाद जो सेकंड परीक्षा होगी जिसे मुख्य परीक्षा बोलते हैं, मेन एग्जाम जो बोलते हैं PSC का, तो उसमें जो आपका जो पैटर्न रहेगा उसमें अनिवार्य सब्जेक्ट रहेंगे आपको सामान्य हिंदी 150 अंक के, एक निबंध आपको लिखना होगा 150 अंक का, और सामान्य अध्ययन के इसमें 4 पेपर होते हैं 200 नंबर के, तो ये प्रश्न इसमें अनिवार्य रहेंगे। फिर इनके लिए अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आपको एक वैकल्पिक सब्जेक्ट दिया जाएगा जो इन सब्जेक्ट में से आप कोई सा भी जो भी आप अपने इंटरेस्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हों, आप एक वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में कोई सा भी सब्जेक्ट इनमें से ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं हो सकता इसमें कि आपने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट लिया हुआ हो, आप कोई सा अदर भी ले सकते हैं, आपने ज्ञान से सब कुछ किया हुआ BSc तो आप इतिहास से भी कर सकते हैं, वो आपके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है।
उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में इसमें एक इंटरव्यू होगा जो 100 नंबर का होगा। इस इंटरव्यू में आपकी जो है जागरूकता, बुद्धि, चरित्र और आदि व्यक्ति की जो क्षमता है आपके अंदर की, वो सब देखे जाते हैं इसमें। और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट इसमें लग जाती है। फ्रेंड्स इसमें जितने भी प्रश्न पत्र हैं उसमें जो जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ दिया है, हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा, और फर्स्ट पेपर में जो जो पहला क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्या सिलेबस रहेगा, जो सेकंड क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें क्या सिलेबस रहेगा, ये सिलेबस मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें सारा सिलेबस दे रखा है, ये सिलेबस मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले आप इसकी मेन वेबसाइट पहुंचेंगे, वहाँ पर आपको इसमें एक लिंक मिलेगा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट जो आ जाएंगे इसमें अप्लाई आएगा, यहाँ आपको दी है सम्मिलित अमर परीक्षा, ये 2020 के लिए आपको यहाँ लिंक मिलेगा, इस पर अप्लाई कर दिएगा। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप इसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन इस तरीके से आपको सामने इंटरफेस आएगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, क्या आपने पहले भी ये परीक्षा दी है, आपने दी है तो यस करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो खुद ब खुद कुछ डिटेल भरे भरा ही आपके आ जाएंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आप नो कर देंगे और नेक्स्ट करते रहेंगे। उसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा, यदि आपने उसमें यस किया है तो आपके पास कुछ डिटेल इसमें भरी भराई मिलेंगी, नहीं किया है तो आपको सारी डिटेल भरनी होंगी। आप यहाँ पर अपना नाम, फादर नेम, और आपको राज्य, अपने उत्तर प्रदेश बिलोंग करते हैं या नहीं करते, अगर बिलोंग करते हैं तो आपने उत्तर प्रदेश में कहीं सेवा दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको फिल करनी है। उसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी कैटेगरी, और अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और ईमेल आईडी, ये सब आपको इसमें यहाँ देना होगा। और उसके बाद इसमें आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होगा कि आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट कब किया है और कौन कौन से सन में किया है, और उसमें आपको अपने रोल नंबर देने होंगे। रोल नंबर देने के बाद इसमें लास्ट में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक की डिग्री या उसका समकक्ष कोई कोर्स किया हुआ है, तो आपको यहाँ एक्वायर में यस करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम नहीं है आपका, बिल्कुल ठीक है, तो आप सबमिट ऑनलाइन कर देंगे। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपको जो इसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पे फीस पर जाना पड़ेगा, आप ऑनलाइन पे फीस कर सकते हैं। फीस आप अपने इंटरनेट बैंकिंग या UPI या ATM या डेबिट कार्ड से भी इसकी फीस अपनी पे कर सकते हैं। फीस पेमेंट होने से पहले आपके पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो कैटेगरी है, डेट ऑफ बर्थ है, या आपका जो डोमिसाइल है या यूपी का है या नहीं, आप ये सब देखेंगे इसमें। अगर आपने ये सब चीजें आप संतुष्ट है तो क्लिक टू पे करेंगे, या अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट कर देंगे। क्लिक टू पे करने के बाद आप इसकी ऑनलाइन फीस कट जाएगी, आप किसी भी माध्यम से काट सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, डेबिट कार्ड, ATM का, किसी भी तरीके से आप अपनी फीस पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके फीस पे करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आप फिर लॉगिन में जाएंगे, और लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका फॉर्म जो ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद आपको उसके बाद आपको अपना फोटो यहाँ सबमिट करना पड़ेगा। फोटो सबमिट करने के बाद आपने फोटो और सिग्नेचर एक साथ आपको एक जगह जोड़ के इसमें सबमिट करने हैं, और फिर इसके बाद आपके सामने फॉर्म इस तरीके से खुलेगा। ये आपको जो अपने यहाँ पर एड्रेस और अपनी जो प्रेफरेंस है, जो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें लेने हैं, तो आपको जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ डालने पड़ेंगे, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट यहाँ पर लेने पड़ेंगे। फिर आपके पास इस तरीके से ब्यूरो खुलेगा, आप यहाँ देख लेना कि जो विभिन्न प्रकार की पोस्ट हैं ये आपके अनुरूप हैं या नहीं है, तो आपके अनुरूप ये पोस्ट हैं आप इनको यहाँ से लेकर के यस करते चलिए। जो उनसी पोस्ट आपके अनुरूप नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप नहीं है, उन पर नो कर दीजिएगा। जो आपको लगता है कि आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से ठीक है तो आप यहाँ से उसको यस कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा, और सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म आपका फिल हो जाएगा कम्प्लीट। फ्रेंड्स मैंने अधिक से अधिक इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास किया है, यदि उसके बाद भी कोई त्रुटि आपको रह गई है इसमें तो क्षमा चाहता हूँ। यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा। और फ्रेंड्स आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ से मैं इसका फुल प्रोसेस आपको डाल दूंगा, और इसका जो फुल आपका नोटिफिकेशन वो आपको मैं डाल दूंगा, जो सिलेबस है वो भी आपको मैं वहाँ पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना सिलेबस और उसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और उसके बाद भी यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं उन पर भी हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं अब आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि हमारे यूट्यूब चैनल MS नॉलेज का आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नई अपकमिंग नोटिफिकेशन है भर्तियों के वो लगातार मैं बताता रहता हूँ, और जो मैं लगातार जो है जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है मैं बना रहा हूँ, जितने भी नए टॉपिक हैं उन पर बना रहा हूँ। CCC की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, आप CCC की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। जल्दी ही जो एक सीरीज बना रहा हूँ इतिहास की, भारतीय इतिहास की, जो PCS को मद्देनजर रखते हुए तैयार कर रहा हूँ, तो वो सीरीज जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और जो समय समय पर मैं इसमें जो वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके पास अभ्यर्थी हैं तो उन तक हमारे चैनल को जो शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।